इसी ने फ्रीज किया तीर कमान का निशान। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में उद्धव गुट शिवसेना यानी कि बाला साहब नाम की पार्टी के साथ मैदान में उतर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि उद्धव गुट ने चुनाव आयोग को पार्टी के नए नामों और निशानों की लिस्ट सौंपी है। अभी दो नाम सामने निकल कर आए हैं, पहला शिवसेना बाला साहब ठाकरे और दूसरा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। निशाने में उद्धव गुट ने अपनी पहली पसंद त्रिशूल बताई है, तो वहीं दूसरा निशाना उगता हुआ सूर्य है। थोड़ी ही देर में मोतोश्री में उद्धव गुट के नेताओं की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार पार्टी का नया नाम और सिंबल पर चर्चा हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। नए सिंबल के साथ पवार भी बोले, शिवसेना खत्म नहीं होगी, सिंबल से फर्क नहीं पड़ेगा। इधर औरंगाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला चौंकाने वाला नहीं है, मुझे उसकी आशंका थी। आयोग के फैसले से शिवसेना खत्म नहीं होगी, बल्कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा। उन्होंने आगे कहा, 5 बार मेरी पार्टी का भी सिंबल बदल गया है, लेकिन असर नहीं दिखा। चुनाव आयोग के मुताबिक 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में दोनों गुट उस पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ पाएंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले को उद्धव गुट ने अन्याय बताया है। आपको बता दें, ठाकरे परिवार के लिए लकी रहा है तीर कमान का चिन्ह। 19 जून 1966 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही थी। आपको बता दें, 1968 में पहली बार पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शिवसेना का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। पहला चुनाव पार्टी ने 1971 में लड़ा, उस वक्त सिंबल था खजूर का पेड़। शिवसेना ने इसके बाद रेलवे इंजन और ढाल परिवार भी पार्टी का सिंबल रहा, मगर सफलता बिल्कुल भी नहीं मिली। 1985 में सीनियर ठाकरे ने तीर कमान का सिंबल लिया और मुंबई नगर पालिका का चुनाव लड़ा। पार्टी को इसमें भारी मार्जिन से जीत मिली और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना ली। शिवसेना विवाद में पिछले 2 दिन का घटनाक्रम चलिए अब आपको बताते हैं। पहला, उद्धव गुट के नेताओं के पास से फर्जी एफिडेविट मिला। FIR दर्ज शिवसेना के सिंबल फ्रीज होने के बाद रविवार को शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे खेमे के खिलाफ फर्जी तरीके से एफिडेविट बनाने का आरोप लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस के निर्मल नगर थाने में इसकी FIR भी दर्ज की गई है। पुलिस ने जांच में अब तक 4,682 झूठे एफिडेविट जब्त किए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये सभी एफिडेविट चुनाव आयोग में जमा कराने की तैयारी भी है। दूसरा, शिवसेना का सिंबल फ्रीज। 4 घंटे की मीटिंग के बाद EC का फैसला यानी कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आया। उद्धव शिंदे गुट के बीच लड़ाई में शनिवार को चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल तीर धनुष को फ्रीज कर लिया। 13 पन्नों के जारी आदेश में आयोग ने कहा कि दोनों गुटों में से कोई भी उपचुनाव में चुनाव चिन्ह तीर धनुष का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट के लिए होने वाली उपचुनाव के लिए। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि दोनों अपने लिए नए नाम का चुनाव कर सकते हैं और ये नाम शिवसेना से मिलता जुलता हो सकता है। उपचुनाव में दोनों गुट अपने लिए चुनाव आयोग की दी गई लिस्ट से भी कोई चिन्ह चुन सकते हैं। उन्हें 10 अक्टूबर तक उनमें से एक चिन्ह चुनाव आयोग को बताना होगा। शिंदे गुट ने किया पार्टी का भी दावा, चलिए वो भी आपको बताते हैं। ठाकरे से बगावत पर भाजपा के सहयोग से सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने धनुष बाण पर दावा किया था। वहीं ठाकरे की ओर से कहा गया था कि शिंदे पार्टी छोड़ चुके हैं, इसलिए उनका पार्टी या उसके चुनाव चिन्ह पर कोई दावा नहीं बनता है। हाल ही में आयोग ने ठाकरे और शिंदे से शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अधिकार के दावे को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा था। ठाकरे ने शुक्रवार को चुनाव आयोग में अपना जवाब भी दाखिल किया था। उद्धव गुट ने 5 लाख से ज़्यादा पार्टी पदाधिकारियों और सदस्यों के समर्थन वाला हलफनामा भी दाखिल किया है। आपको बता दें, 20 जून से शुरू हुआ था शिवसेना का विवाद। जब शिंदे के नेतृत्व में 20 विधायक सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए थे। इसके बाद शिंदे गुट ने शिवसेना के 55 में से 39 विधायक के साथ होने का दावा किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने
इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र को एक नया चेहरा मिला जिसका नाम था एकनाथ शिंदे। अब उसी पार्टी के सिंबल पर विवाद मचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन जो सिंबल था उसे रद्द कर लिया, यानी कि फ्रीज कर लिया। अब दोनों पार्टियां अपने नए सिंबल के साथ चुनाव लड़ेंगी और बोला गया है कि नए सिंबल के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करिए। अब आगे देखना होगा कि उद्धव ठाकरे का ग्रुप कौन सा सिंबल लाता है और एकनाथ शिंदे का ग्रुप कौन सा सिंबल लेके आता है। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए नज़र टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।